सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह में बज रहे हैं 8:15 और मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विसिंग के लिए। ये प्रियंका और बाबू जा रहे हैं ये बाबू के नाना के घर, तो इनको भी मैं छोड़ दूंगा, रास्ते में ही पड़ता है। और फिर मैं निकल जाता हूँ वहाँ से, फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा 9:30 बजे तक, वो लोग बुलाए हैं। गाड़ी में बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी है, ये पूरा गंदा हो रखा है, इधर भी पूरा मिट्टी मिट्टी लगा हुआ है। ये देखिए, इसका हैंडल में बहुत मिट्टी लगा हुआ है, और इधर तो मैंने एक दिन साफ किया था, आगे से भी इसमें बहुत ना धूल मिट्टी लगा हुआ है, ये सब गंदा हो रखा है। चले बाबू, चलो। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। हाँ बाबू, बाबू मैं जाऊँ? ये तो मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है, आप ही के तरफ देख रहा है। जाऊं बाबू मैं? बाय कर। हाँ बाबू, मेरे को तो देख ही नहीं रहा है। मम्मी के पास जाएगा बाबू। जाऊं बाबू? आठ बज के 41 मिनट और मैं प्रियंका को छोड़ दिया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में, आ गया यहाँ से आधे घंटे से ज़्यादा लगता है, तो देखते हैं कितना देर में पहुँचता हूँ। शोरूम पे आ गया हूँ, उधर है ठीक। सो गाइस, सर्विसिंग सेंटर पहुंच गया हूँ, और ये गाड़ी का देख सकते हैं हाल, कितना मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और अभी नंबर लग गया है, 4 नंबर पे है। तो गाइस, गाड़ी वॉशिंग हो गई है, इस बार तो अच्छे से हुई है। अब अकेले रहते ना, एक आदमी गाड़ी धोएगा क्या, कपड़ा मारेगा? हाँ बात सही, इधर स्टेशन में। हाँ इस बार तो अच्छी से हुई है सर धुलाई। सो गाइस, यहाँ पे 101 रुपये लीटर तेल हो गया है, और गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं। तो चलो, गाड़ी में तेल डल गया, थोड़ा उसको ढक्कन अच्छे से लगाना। सो गाइस, गाड़ी लगा दिया, और गाड़ी तो अच्छे से धुलाई किया है इसका, सर्विसिंग भी अच्छे से कर दिया है। सर्विसिंग में कुछ भी नहीं किया है, बस एक गियर ऑयल चेंज हुआ है बस। अभी गाइस मैं जा रहा हूँ प्रियंका को घर पे लेके आने के लिए, और उनके पापा को भी लेके जाना है, पुस्तक सेवा है। तो वो पुस्तक ना हम उनको देने के लिए जा रहे हैं, फ्री में पुस्तक है। यदि आपको भी मंगवाना है ये पुस्तक, यहाँ पे ना दिख रहा होगा आपको नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे या कॉल करके आप ना फ्री में ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आपको बुक ऑर्डर हो जाएगी। चलिए हम फिर जाते हैं उनके साथ पुस्तक सेवा के लिए, और फिर मैं प्रियंका को लेके आऊँगा यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये घूमने लायक है यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर भी है। सो गाइस, ये ग्रीन हाउस है, पूरा ग्रीन ही ग्रीन हो रखा है यहाँ पे, तो देखने में बहुत मस्त लग रहा है। ये कितना मस्त जगह है, यहाँ पे प्रियंका को लेके आऊँगा घूमने के लिए किसी दिन। या यहाँ पे नाव भी है, ये देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। इधर कैंटीन है, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब पैसे से ये इतने दूरी तक जा सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये बीच में दिख रहा है, वहाँ से रास्ता है, उधर से जाके ये होटल भी बुक कर सकते हैं, यहाँ पे होटल है शायद। सो गई, चिड़िया भी पाल रखे हैं लोग, कितना मस्त। ये ऐसे तो मैंने देखा ही नहीं था, पीला कलर, हरा कलर तो देखा था पैरोट का, लेकिन ये पीला कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तरफ पीला वाला चिड़िया नहीं होती है। कौन सी चिड़िया? हाँ पीला वाला बड़ा मेरे पास है, उसको हल्दी की देखा ना। हाँ हाँ, वो इधर तो बहुत है जंगल में। क्या नाम है इसका चिड़िया का? ये लव बर्ड है। लव बर्ड? लव 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 बर्ड। अच्छा लव बर्ड, दो एक साथ ही रहते हैं क्या? हाँ दोनों। इसीलिए यहाँ वो रखा लव बर्ड।
नाम उसका पता है। हाँ ये ना कितना मस्त लग रहा है, हरा हरा सा देखने में। ये लोग पर्दा लगा रखे हैं। अंदर बोट भी है ना? बोट हाँ यहीं पे तो है पास। आप ब्लॉग बनाते हैं क्या? हाँ। ये कितने बजे तक खुला रहता है? ये सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। अभी नाइट स्टे रहता है ना। अच्छा ना। रात को आते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं सुबह ही आ जाते हैं, रात निकालते हैं फिर अगले दिन जाते हैं। हाँ, वैसे एक रूम का कितना किराया है? अलग अलग है, 3,000 से लेकर के 16,000 तक है। हाँ, एक दिन खाना वाना उसी में? खाना अलग से, अलग से रूम रूम का क्यों? सिर्फ रूम का। हाँ। दो जन के रूम है, 3 जन के हैं, 4 जन के हैं। इसमें भी नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है? नॉन वेज वेज सब है। ये क्या है पीछे, मिट्टी मिट्टी है क्या? ये तो ऐसा रखा है। मेरे को लग रहा है ना ये पापा ना मछली वाला है। मछली वाला ही है, बराबर मछली। अभी बंद हो गया है ये, मछली भी मिलता नहीं ना। हाँ कितना बड़ा है, इधर मिलता भी नहीं है। देखो मैंने ऑनलाइन भी नहीं रहेगा। हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं मिलता है। ऑर्डर किया था, कितने दिन हो गए ऑर्डर किए हुए? पिछले एक हफ्ते हो गया। एक हफ्ते में ही आ गया? एक हफ्ते के अंदर ही आ गया। सामने से फ़ोन आया ना। हाँ तो बोले सर यहाँ मैंने से किया था अप्लाई, तो बोले ठीक है, उन्होंने नंबर वगैरह दिया। हाँ हाँ कौन सा किताब मिलता है? लेकिन कुछ अलग अलग भी है, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत में उसमें अलग टाइप का है, गीता जी के उसमें निष्कर्ष बताया गया है। फ्री में तो फ्री है, तो इसका 20 रुपये है अभी। हाँ इसका 30 रुपये। ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये इतना बड़ा है। कितना फिट में होगा पापा? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, ये कम से कम तो होगा ना। ये क्या खड़ा ही है ना आदमी, खड़ा ही नहीं दर्द है ज़्यादा होगा। ये पूरा? हाँ नहीं नहीं ये 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 हाँ ये खाली है? हाँ नहीं दो घूमठे से तो ज़्यादा। हाँ हाँ होगा होगा। हाँ। चौड़ाई ज़्यादा है ना बराबर। हाँ। सेम है। हाँ। इधर भी ये देखिए, इधर भी घर है। ये रोकने भी रहा सर अभी रात को तो और हो जाएगा। अच्छा ये सब लाइट जलेगा ना? इसमें भी तो लाइट जलता होगा। इसमें भी जलता है क्या? लाइट है। हाँ ये भी सब रूम ही है पापा। ये देखिए ये बिल्ला, बिल्ली को खाना खिला देंगे क्या मालूम पुराना जमाने का ये रखा हुआ बैलगाड़ी। तो गाइस इसमें मछली मछली है, इतनी बड़ी है ये। एक इधर है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रही कुछ। ये देखिए कितनी बड़ी मछली। लाइट नहीं जल रहा है ना इसीलिए अच्छा समझ दिखाई दे रहा है। क्या जीव अंदर बैठे क्या? हाँ ये काट लिया तो पूरा जीव हो जाएगा। हाँ ये छोटा सा है बच्चों के लिए, ये थोड़ा सा और बड़ा बच्चा हो और उसमें जो बड़े आदमी हैं वो नहा सकते हैं। सो गाइस ये रूम है, एक रूम का किराया 3,000 से लेकर 16,000 रुपया तक है। ये बहुत दूर तक रूम है, उधर भी है। आराम से इसका कोई अलग से घूमेगा तो किराया लगता है? हाँ सर जी, क्योंकि अभी आप अगर घूमने फिरने आए हो बिल्कुल तो 200 रुपये फोर्थ पर्सन है। और अगर आपने स्टे किया हो, रूम लिए हो, तो आपको स्विमिंग पूल है वहाँ पे बोटिंग है, मच्छी पकड़ सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो। इतना है एरिया? हाँ ये पूरा इतना है, पूरा रिसोर्ट है। इसमें कम से कम 20 से ऊपर ज़्यादा रूम है। हाँ ऐसा? हाँ 2,500 से लेकर 16,000 तक के रूम से। ये जैसे इसका कितना किराया होगा जैसे एक बार कोई जैसे आप अगर स्टे करो एक प्लाट जाओगे तो 200 रुपये चार्जेस से। एक कितने भी आदमी बैठो? कितने में बोलेंगे तो उसमें जिसका जितना कैपेसिटी है 5 जन 6 जन का मतलब वही 5-6 जने बैठो 200 रुपये पर पर्सन एक आदमी का। और स्विमिंग पूल का? स्विमिंग पूल आपको फ्री रहता है अगर रूम में रहोगे ना। हाँ। स्टे किए तो फिर स्विमिंग पूल, फिशिंग, बोटिंग ये सब फ्री आपको पैकेज रहता है आपका। यदि सुबह का नाश्ता भी फ्री रहेगा। यदि कोई बाहर से आता है इधर सफाले से ऐसा तो... नहीं जाने अभी बंद किया है, क्विट की वजह से बंद किया है, खाली रूम वाले लोग ही जाने देते। सही है वैसे, क्योंकि क्या होता है रूम वाले लोग को उतना क्राउड भी हो जाता है, उसमें सेफ्टी भी फिर बिखर जाती है। बिखर जाती है फिर सेफ्टी का क्या? सेफ्टी का तकलीफ है ना, इसलिए सब बंद किया है। वो भी चलती है क्या उधर बड़ी नाव है? वो सर वही जो बोर्ड है ना वो रूम है उसमें 12 जन का कैपेसिटी है, उसमें एक साथ में 12 जन रह सकते हैं। 12 उसका 16,000 रुपये रेट है रूम है। जैसे ये रूम है ना सर, जैसे 5 लोगों के लिए रूम है
वो जो है वो तीन जनों के लिए रूम है। ये इसमें फैमिली रूम है, ये इसमें पांच जन आ सकते हो। इसके अंदर गर्म पानी नहाने के लिए, बैठने के लिए सोफा वगैरह, डबल बेड, ट्रिपल बेड, इसके अंदर फ्रिज, इसके अंदर सब कुछ है। इसका कितना प्राइस है? इसका 5000 रुपीस पर डे। और उसका? उसका 3000 रुपीस पर डे। और गार्डन में जो ये साइड पर पर्सन अमेरिकन स्टाइल है, वो 12 लोगों का कैपेसिटी, उसमें ऊपर 9 जन, नीचे 3 जन सो सकते हैं, 12 जन एक साथ बैठ के खाना खा सकते हो। वॉट एवर, अगर पीने वाले हो तो पी सकते हो, और अगर आप शांतिपूर्वक मतलब इसमें हो, कॉन्ग्रीगेशन में हो, तो इसमें हम सकते हैं साफ सुथरे तरीके से कर सकते हैं। इसमें हर कास्ट के लोग आते हैं सर, कैथलिक से लेकर अपना मोमेंटन से लेकर हर चीज, हर किस्म के लोग हैं। चिड़िया उड़िया या गाय वाय को पानी पीने के लिए पूरा ऐसे लग रहा है ना, दो दरवाजा है, एक इधर से एक इधर से। अभी शाम को आना स्टार्ट हो गया इधर। बाबू ये तो सोया था क्या अभी? अभी जगा है। हे अरुष, बाबू कपड़ा कौन सा पहन के आया, कौन सा पहन लिया? अरे ये वो किया था, दो नंबर। सुनो, चले बाबू यहीं रहेगा अरुष नानी जी के। अरे आज पूरा दिन इसने बहुत धमाल की है इधर। क्या की? इधर से इधर, इधर से इधर, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ बाबू, घूम रहा था, बाहर नहीं निकला, इधर ही घर में, इधर इधर। बाबू घर में देखा आएगा नहीं आएगा। हम लोग जा रहे हैं। मैं चल ली जाऊं, मम्मी चल ली। ये लंबा हो गया है ना अब, बहुत हो गया, और ऐसा हो गया जिसकी लंबाई बढ़ती है ना वो पतला हो जाता है, लेकिन ये छोटा है ना अभी। अभी इसका तबीयत खराब हो गया था ना, इसलिए इसलिए बहुत खराब हो गया। तो चलना, उधर गए थे ना बुक बुक देने के लिए, गए थे ना पापा के साथ। हां, इतना मस्त घूमने के लिए जगह। सो गाइस, बाबू का दोस्त क्या बना है? मछली पकड़ने वाला मछुआरा बना है। आज नवरात्रि है ना, फैंसी ड्रेस है ना, ये मछुआरा बना है। और इधर बाबू और प्रियंका, ये प्रियंका ने खाना निकाल दी, सब्जी और चावल। सो गाइस, आज लास्ट दिन है, और ये गुलाबी कलर के पहन के ये लोग अपन मतलब कल्चर को मनाते हैं। तो गाइस, यहाँ की जो कल्चर होती है वो अपने तरीके से मनाते हैं, यहाँ का ऐसा कल्चर है तो ये लोग अपने तरीके से मनाते हैं। सो गाइस, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे आँख से आपको पता चल रहा होगा। तो गाइस, आज के ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।